सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कस्टमर्स के लिए जो कि Xiaomi, Redmi या फिर Poco का स्मार्टफोन यूज करते हैं और MIUI के नेक्स्ट अपडेट का जिनको वेट है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल MIUI 12 के ऊपर काफी सारे स्मार्टफोन रन कर रहे हैं, वहीं पे कुछ स्मार्टफोन्स में 12.5 का अपडेट भी आ चुका है, लेकिन हम यहाँ पे जानेंगे MIUI 13 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, MIUI 13 जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे इसका फर्स्ट लुक सामने आ चुका है कि किस तरह का ये दिखने वाला है, और कुछ फीचर्स भी यहाँ पे लीक हुए हैं कि कौन कौन से फीचर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा डिवाइस लिस्ट भी यहाँ पे आ चुकी है कि कौन कौन से डिवाइसेज में ये अपडेट आपको मिलेगा। तो स्वागत आप सबका हमारे चैनल पर, जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी टेक वीडियोज मिलती रहें। तो दोस्तों, अगर आपको भी MIUI 13 का वेट है तो आप देख सकते हैं कि इसका फर्स्ट लुक यहाँ पे हमारे सामने आ चुका है कि क्या क्या यहाँ पे अपडेट आपको दिए जाएंगे। कुछ फीचर्स ही हालांकि लीक हुए हैं, कंप्लीट लिस्ट अभी तक नहीं आई है कि क्या क्या फीचर दिए जाएंगे, लेकिन चलिए जानते हैं कि यहाँ पे क्या क्या नए फीचर आपको मिलने वाले हैं जो कि फिलहाल सामने आए हैं। इसमें सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे आपको UI में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, मतलब कि आपके स्मार्टफोन का जितना भी यूजर इंटरफेस है, जो जो भी आप यूज़ करते हैं, उसके अंदर नए आइकन्स मिलेंगे, नए डिज़ाइन दिए जाएंगे, स्मूथ किया जाएगा उसको थोड़ा सा, और यहाँ पे नए एनिमेशंस का भी यूज़ किया जाएगा। तो ओवरऑल बेटर किया जाएगा UI को ताकि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिले MIUI 13 के साथ में। इसके अलावा यहाँ पे नए आइकन्स के साथ में दोस्तों, नए साउंड इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। इसमें चाहे हम चार्जिंग साउंड की बात करें, लॉक स्क्रीन के साउंड्स की बात करें या फिर रिंगटोन्स वगैरह की, काफ़ी सारे नए आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे साउंड के लिए भी, और ये भी काफ़ी अच्छी बात है सभी कस्टमर्स के लिए। अगर आप अपने स्मार्टफोन में ज़्यादा गेमिंग करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है, तो यहाँ पे आपके लिए काफ़ी स्पेशल फीचर आने वाला है MIUI 13 के साथ में कि आप यहाँ पे अपनी स्मॉल विंडो के अंदर गेमिंग कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सबको पता होगा फ्लोटिंग विंडोज़ के बारे में, यहाँ पे कई सारे टास्क आप कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग में काफ़ी ईजी होता है, तो यहाँ पे अब आप फ्लोटिंग विंडो के अंदर कर पाएंगे गेमिंग भी, और ये भी काफ़ी हाईलाइटेड फीचर होगा MIUI 13 का, जो कि काफ़ी सारे गेमिंग कस्टमर्स को पसंद आने वाला है। अगर नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे आपको मेमोरी फ्यूजन टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे लेयर रेंडरिंग सिस्टम का भी यूज़ किया जाएगा, जो कि काफ़ी सारे कस्टमर्स के लिए अगेन हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको डिटेल प्रोवाइड करवा देंगे, या फिर आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थोड़ी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, जिनको इंटरेस्ट है वो समझ सकते हैं गूगल पे जाके। इसके अलावा दोस्तों, इसके अंदर यहाँ पे कई सारे एंड्रॉयड 12 के भी फीचर आने वाले हैं, चाहे हम बात करें शेयर मेनू में किसी ऐप को पिन करने की, या फिर यहाँ पे कुछ और फीचर्स की बात करते हैं जो कि आपको एंड्रॉयड 12 के साथ में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे प्राइवेसी और सिक्योरिटी के ऊपर भी काम किया जाएगा MIUI 13 में। आप सबको पता है MIUI का पास्ट कुछ खास नहीं रहा है अगर हम बात करते हैं प्राइवेसी की, लेकिन Xiaomi इसके ऊपर डेफिनेटली फोकस करने वाला है, और अब चाहे हम बात करें ऐप परमिशंस की या फिर प्राइवेसी की और फीचर्स की, उनको भी थोड़ा इम्प्रूव किया जाएगा। आप सभी ऐप्स में अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे कि कौन कौन सी प्राइवेसी यहाँ पे कंट्रोल करनी है, इसके अलावा कौन कौन सी परमिशन देनी है किसी ऐप को, वो भी आप यहाँ पे अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्राइवेसी और सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MIUI के लिए, और इसके ऊपर भी काम किया जाएगा यहाँ पे। अगर आप अपने स्मार्टफोन में फोटोज़ वगैरह एडिट करते हैं, वीडियोज़ एडिटिंग करते हैं, तो MIUI 13 के साथ में यहाँ पे आपके लिए काफ़ी सारे नए ऑप्शन आने वाले हैं एडिटिंग के लिए भी, यानी कि काफ़ी सारे फिल्टर्स, इफेक्ट्स वगैरह ऐड किए जाएंगे जब आप फोटो एडिट करते हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे कैमरा में कुछ नए फीचर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, फिलहाल इसकी कंफर्मेशन नहीं है। यहाँ पे बैटरी ऑप्टिमाइजेशन पे, रैम ऑप्टिमाइजेशन पे और मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन पे भी काम किया जाएगा, यानी कि ओवरऑल एक स्मूथ एक्सपीरियंस देने की कोशिश की जाएगी, और MIUI 13 को थोड़ा लाइट किया जाएगा एज कम्पेयर टू MIUI 12। जो आप अपने स्मार्टफोन के अंदर दोस्तों सुपर वॉलपेपर यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी आपको नए डिज़ाइन देखने को मिलने वाले हैं MIUI 13 के साथ में, ये भी इन्फॉर्मेशन आई है, और काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं सुपर वॉलपेपर, आप सबको पता है कितने ज़्यादा यूज़ करते हैं MIUI के कस्टमर्स। जो आपके स्मार्टफोन का यहाँ पे कंट्रोल पैनल है दोस्तों, उसका फर्स्ट लुक सामने आ चुका है कि किस तरह का होगा MIUI 13 के साथ में, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यानी कि नया डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा कंट्रोल सेंटर का भी, ये भी काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए अगर आप इसको यूज़ करते हैं। तो ये हैं दोस्तों कुछ फीचर्स जो कि आपको MIUI 13 के साथ में देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम बात करें डिवाइस लिस्ट की, तो हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, चैनल के ऊपर है, आप जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक ओवरव्यू दूँ अगर मैं डिवाइस लिस्ट के बारे में, तो Redmi की जो Note 9 सीरीज आई थी, वो और उसके ऊपर के जितने भी स्मार्टफोन हैं, उनके अंदर आपको ये अपडेट देखने को मिलेगा। अगर आप Redmi की Note 8 सीरीज यूज़ करते हैं या फिर उससे पुराने स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर ये अपडेट नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो K20 सीरीज थी, उसके ऊपर के स्मार्टफोन्स को ये अपडेट मिलने वाला है, और यहाँ पे जो K20 Pro स्मार्टफोन था, K20 था, हो सकता है कि उनमें भी आपको ये अपडेट ना मिले।
लेकिन स्टिल अगर आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, कंप्लीट लिस्ट आप चेक करना चाहते हैं, तो चैनल के ऊपर वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं, डिवाइस लिस्ट वहां पे आपको देखने को मिल जाएगी। अगर लॉन्च की बात करें कि आपके स्मार्टफोन में MIUI 13 कब अवेलेबल होगा, तो इसकी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आप सबको पता है कि अलग अलग स्मार्टफोन्स में अलग अलग बैचेस में अपडेट दिया जाता है। जब ये अपडेट स्टार्ट होंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि आपके स्मार्टफोन को कब मिलेगा ये अपडेट, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।